नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल हॉलीवुड समय की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप लोग जैसा जानते हैं कि हम लोग रोज एक कार के बेस मॉडल या टॉप मॉडल के कार के प्राइस के बारे में बात करते हैं, और साथ ही जानते हैं आप किसी बैंक से अगर लोन लेते हैं तो आप कैसे वो लोन ले सकते हैं, उसके लिए फीचर एलिजिबिलिटी क्या बनेगी और आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से आज हम लोग बात करने वाले हैं थार के बेस मॉडल के बारे में। थार के बेस मॉडल के लिए आज हम लोग जानेंगे आप इसके बेस मॉडल पर कितनी डाउन पेमेंट कर सकते हैं, और डाउन पेमेंट करने के लिए जो आप इसकी ऑन रोड प्राइस बनेगी उसमें इसकी एक शोरूम प्राइस क्या होगी, आरटीओ चार्जेस क्या होंगे और इंटरेस्ट चार्जेस क्या होंगे, और साथ ही जानेंगे दोस्तों अगर आप जो कार डाउन पेमेंट करने के बाद जो आपका लोन अमाउंट बनेगा उस लोन अमाउंट को अगर आप SBI बैंक से कार लोन लेते हैं तो SBI बैंक से आप कार लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्या बनेगी, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, सब कुछ जानने वाले हैं। और साथ ही जानेंगे उस लोन EMI की पर मंथ मंथली EMI क्या बनेगी और आपको उस लोन EMI पर कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दोस्तों सब लोग कुछ इस वीडियो में जानेंगे, तो ऐसे आप अपना प्यार बनाए रखिए। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल ऑली मोटर समय पर नए हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप दोस्तों आपने हमारे इस YouTube चैनल ऑनली मोटर समय को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो दोस्तों, जो महिंद्रा थार का बेस मॉडल है उसकी एक शोरूम प्राइस न्यू दिल्ली में है 14,15,901 रुपये, और RTO प्राइस है न्यू दिल्ली का 1,81,788 रुपये। दोस्तों हर सिटी का RTO चार्ज कार में थोड़ा सा प्राइस में फर्क दे देता है, तो आप अपनी सिटी का एक बार RTO चार्ज चेक कर लीजिएगा। और इस कार में जो न्यू दिल्ली में आपको इसका इंश्योरेंस प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 91,639 रुपये, और अदर्स का प्राइस पड़ेगा 29,518 रुपये। दोस्तों तब जाके इस कार का जो टोटल ऑन रोड अमाउंट बनेगा, मतलब जो इस कार की ऑन रोड प्राइस बनेगी टोटल प्राइस, वो बनेगी 17,18,846 रुपये। तब जाके दोस्तों इस कार के ऑन रोड प्राइस में आपको अगर आप लोन से इस कार को ले रहे हैं तो इस कार में आपको जो मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी वो डाउन पेमेंट आपको 1,60,000 रुपये की मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। तब जाके आपका जो कार लोन अमाउंट बनेगा वो बनेगा 14,44,705 रुपये। दोस्तों हम लोग जाके अब चेक करते हैं अपनी EMI कैलकुलेटर लिंक पर कि इस कार का जो ऑन रोड प्राइस था उसमें डाउन पेमेंट करने के बाद जो इसका लोन अमाउंट निकला है उस लोन अमाउंट की मंथली EMI क्या बनेगी अगले 5 सालों के लिए। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपनी ऑफिशियल EMI कैलकुलेटर लिंक पर दोस्तों, जहां पर आप होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की EMI बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोगों को जो EMI कैलकुलेट करनी है यहां पे वो कार लोन की EMI कैलकुलेट करनी है, तो हम लोगों ने यहां पे कार लोन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कार लोन अमाउंट एंटर करने का, तो हम लोग अपनी कार का जो बेस मॉडल का लोन अमाउंट था वो हम लोगों ने अभी यहां एंटर कर दिया है, और इंटरेस्ट रेट जो 8.4% हम लोगों ने यहां पे एंटर किया है। दोस्तों जो SBI से हम लोगों ने बात की थी अगर आप कार लोन लेते हैं तो उस पर आपकी मंथली EMI क्या बनेगी, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम में SBI का कार लोन इंटरेस्ट चल रहा है वो 8.4% चल रहा है। और दोस्तों हम लोगों का जो लोन टेनर, मतलब आप कितने साल के लिए लोन लेने वाले हैं, वो अगले 7 सालों के लिए हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं, तो अगले 7 सालों में जो आपकी लोन EMI निकल के आती है वो आती है 22,806 रुपये, और टोटल इंटरेस्ट पेएबल बनता है आपका 4,71,038 रुपये। मतलब आपको थार के बेस मॉडल को लेने के लिए 4,71,038 रुपये का आपको लोन पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा आपकी कार के अमाउंट के साथ, तब जाके जो आपकी टोटल पेमेंट बनती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के वो बनती 19,15,743 रुपये अगले 7 सालों में के लिए बनती है। और इस कार में आपको 24.6% टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और 75.4% आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप किसी अदर बैंक से अगर अपना कार लोन लेते हैं अगर उसका इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा है, तो आप हमारे इस EMI कैलकुलेटर लिंक पर आकर अपने उस बैंक से कार लोन की इंटरेस्ट एंटर करके आप अपनी EMI पता कर सकते हैं। अगर आपको ये लिंक चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपनी SBI की ऑफिशियल साइट पर, जहाँ पर हम लोग जानेंगे कि अगर SBI से आप कार लोन लेते हैं तो आपकी जो एलिजिबिलिटी बनेगी, डॉक्यूमेंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, और कार लोन लेने के लिए आपकी कौन सी स्कीम होगी, आपका सब कुछ जानने वाले हैं आज। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं SBI की ऑफिशियल साइट पर, जहाँ पे SBI न्यू कार लोन स्कीम चल रही है, उसमें आपको ऑटो लोन, मतलब आपकी कार का लोन परसेंटेज बन रहा है 8.4% इंटरेस्ट रेट के साथ। SBI प्रेजेंट टाइम में कार लोन आपको प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं कि SBI कार लोन के फीचर्स क्या होने वाले हैं। तो इस बैंक में आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लॉन्गेस्ट रीपेमेंट मिल रही है, मतलब अगले 7 सालों तक आप यहाँ से कार लोन ले सकते हैं, और फाइनेंसिंग ऑन रोड प्राइस
तो आप ऑन रोड प्राइस पर भी इस कार को फाइनल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको बताया था आप मिनिमम डाउन पेमेंट जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो उतनी ही आपकी लोन ईएमआई और लोन कम बनेगा। और इस कार में ऑन रोड प्राइस इंक्लूड रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस, आपको इस कार को ऑन रोड प्राइस के साथ रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है दोस्तों, और नो एडवांस ईएमआई दी जा रही, फाइनेंसिंग अप टू 90% ऑन लोन में, मतलब आपको अगर इस बैंक से लोन लेना है तो अपनी कार का जो ऑन रोड प्राइस था उसके 10% मिनिमम डाउन पेमेंट से ही आप किसी इस SBI बैंक से लोन ले सकते हैं दोस्तों SBI बैंक की डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होनी चाहिए आपके पास। यू शुड टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द कंप्लीट एप्लीकेशन, मतलब आपको जो नीचे डॉक्यूमेंट मैं बताने वाला हूँ वो डॉक्यूमेंट आपके SBI कार लोन लेने के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ फॉर लास्ट 6 मंथ, आपकी अगले पिछले 6 महीने की जो स्टेटमेंट होती है, मतलब आपकी पासबुक की फ़ोटो कॉपी जो होती है वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट के रूप में एक देनी पड़ेगी, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स देने पड़ेंगे, मतलब आपके 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगी, एक आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आप दे सकते हैं अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, ये सब अपने आप अपने आईडी प्रूफ में दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं अपना आधार कार्ड, बिजली का बिल दे सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। और इनकम प्रूफ में की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे इनकम प्रूफ आपको आपकी जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे आपको स्लिप मिलती है आपकी पेमेंट की, या किसी भी चीज़ से जिससे आपको प्रूफ हो सके कि आपको ये इनकम इस बैंक इस जगह से मिल रही है, परमानेंट मिल रही है, ये आपको एक स्लिप देनी पड़ती है, यहाँ पे प्रूफ देना पड़ता है कि हाँ मैं मुझे इनकम यहाँ से मिल रही है। और IT रिटर्न्स और फ्रॉम 16 फॉर द लास्ट 2 ईयर, मतलब पिछले जो 16 साल थे उसमें IT रिटर्न्स का भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कॉपी ऑफ anyone, देखिए यहाँ पे आज लोगों ने बता रखा है पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी एक की भी आप फोटो कॉपी यहाँ पे जमा कर सकते हो। और एड्रेस प्रूफ की बात करें तो यहाँ पे राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल, लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों ये हो गई हम लोगों की बात, डॉक्यूमेंट आपके क्या लगेंगे। और नॉट सैलरीड, मतलब दोस्तों अगर आपके पास बिजनेस, अगर सैलरी नहीं मिल रही, आप किसी काम नहीं कर रहे हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन के लिए जो कार लोन है यहाँ पे वो है बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए पिछले 6 महीनों की, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और इनकम का भी प्रूफ यहाँ पे आपको दोस्तों होना चाहिए आपके पास, और IT रिटर्न्स होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो आपके लिए क्या बैंक की तरफ से लोन लेके स्टेटमेंट बनेंगे, डॉक्यूमेंट बनेंगे, 6 मंथ के जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए वो होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ आपको होना चाहिए, और डायरेक्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी, क्रॉप एक्टिविटी होनी चाहिए आपके पास। दोस्तों ये सब डॉक्यूमेंट आपकी बैंक में कार लोन लेने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल ओनली मोटर समाई पर नए थे और मेरे कहने के बाद भी आपने इस YouTube चैनल ओनली मोटर समाई को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप अभी तक इस वीडियो पर बने थे तो आप हमारे इस YouTube चैनल ओनली मोटर समाई को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों हमारी EMI कैलकुलेटर लिंक पर चेकआउट करना मत भूलिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऐसी वीडियो में।